पहलवानों का दंगल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया है। अखाड़े में दम दिखाने वाले पहलवान एक दूसरे को ही आंखें दिखाते नजर आ रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के एड हॉक पैनल ने 6 आंदोलनकारी पहलवानों को एशियन गेम्स 2023 और वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिलेक्शन के लिए समय दिया है। इसे लेकर छिड़ी बहस के बाद हरियाणा के ही दिग्गज पहलवान आमने सामने हैं। जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं अभी भी, बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान है जो बोला कि भाई कुश्ती का काला दिन है, बोले ये ट्रायल एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद, उन्होंने वो लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता या नहीं आता वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर घोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई सी चीज नहीं देख रखी भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट तो रहे कि भाई हम सहबिन्यादा भाई बाण बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने टाइम दिया था, ना कि हमारी एक ट्रायल लीजा जो फर्स्ट आओ उस गल्ला। हमारे तो वो लेटर है। कुछ लोग हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच बना रहे हैं, और तुमने नहीं किया बहुत बढ़िया बात है, तुमने अकबर मारिए कर तो बहुत बढ़िया बात है। कमेटी हो या ज्ञान पहलवान जी, ये उन तक मास्को करो तो आप यो क्यों कर रहे हो भाई, कि भाई छह होता है आप यो डील क्यों दे रहे हो, फिर अब मापदंड क्या है, लेटर निकालो आप भाई, यू मापदंड हमारा। पहलवाना की बात करी है, मैंने ब्रजभूषण की बात करी ना कल, किशोर की बात, मैंने एक बात कही थी कमेटी, थारे बारे में कुछ नहीं कही मैंने, मतलब कमेटी पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त हैं, तो वही दूसरी ओर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक हैं। दोनों ही ओर से पहलवानों के पास आरोपों की लंबी लिस्ट है। बजरंग पूनिया ने योगेश्वर दत्त को चुनौती देते हुए कहा है कि उन्होंने ट्रायल से कोई राहत नहीं मांगी है, बस तैयारी के लिए समय दिया गया, और ट्रायल से छूट को लेकर बीजेपी नेता झूठ फैला रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, लड़कियों को न्याय मिले, भारतीय बेटियों को न्याय मिले, और वो मकसद हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो आप ये समाज में जब तक बंद जेल में नहीं चला जाता, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आपकी दम तक। तो आप समाज में इतने बड़े ठेकेदार ना बने, आप पंचायत कर लीजिए, हम आएंगे पंचायत में। अगर आपके बोलने से पंचायत, मुझे नहीं लगता कि आ जाएगी पंचायत, क्योंकि आप कभी समाज के साथ खड़े नहीं हुए हैं कि भाई आपके बुलाने से। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे पंचायत, जितने भी संगठन है सबसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, और जो लेटर हमने दिया वो पढ़ा देंगे कि भाई ये हमारा लेटर है, थोड़ी सी भी अगर हमारे में कमी निकल जाएगी, हम उसी दिन अगर हमारे बड़े बोलेंगे कुश्ती को छोड़ दो, ट्रायल तो बहुत दूर की बात है, कुश्ती को ही छोड़ देंगे। पहलवानों के बीच टकराव बढ़ा तो पुरानी बातें भी उठी। पुराने मुकाबलों को लेकर भी दोनों तरफ से पहलवानों ने एक दूसरे की खामियां गिनवाई और दिखाने की कोशिश की कि कौन कितने पानी में है। अगर वहाँ पे हमारा क्वालिफाई होता 2015 की बात है, और आप बोल रहे कि मैं जूनियर खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज उठाता हूँ, 2012 में लड़की जूनियर लड़कियों के कैंप में घटना हुई थी, आपने उन जूनियर खिलाड़ियों के बारे में कोई आवाज उठाई, कोई ट्वीट किया आपने? 2014 में भी एक जूनियर कैंप की ही बात थी, उसमें आपने कोई आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाई। 2018 में जूनियर खिलाड़ियों का कैश अवार्ड का जो लड़ाई थी, आप तो सरकार में थे, कैश अवार्ड की लड़ाई थी, किसी खिलाड़ी के पक्ष में आपने बोला कि कैडेट जूनियर के बच्चे इनको पैसे मिलने चाहिए, इनका हक सम्मान मिलना चाहिए इनको, आपने कोई ट्वीट किया? आपने मुझसे ये बोला था कि बेटा कैसे कुश्ती लड़ेगा, तब मैंने आपसे बोला था जैसे आप बोलोगे वैसे लड़ूंगा, तब आपने बोला था कि तीन तीन से लड़ लेंगे। एक कुश्ती मेरी आपके साथ इटली भी आई थी फाइनल कुश्ती टूर्नामेंट में, आपने एक बार भी सोचा कि इस बच्चे का भला हो जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा तो इसका हौसला बढ़ेगा, ये जूनियर है, आपने तभी बोल दिया कि मैं फर्स्ट हूँ आप सेकंड हो। तो आप इस जूनियर की सीनियर की ये जो आप जो लोगों में जहर घोल रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आप पे बोलना नहीं चाहते थे पर मजबूरी में हमें बोलना पड़ा, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये भ्रम न फैलाएं जनता में। किसी मंदिर में गौशाला में चल
और गाय की गौ की पूंछ पकड़ के बोल दे कि भाई योगेश्वर ने बात बोली थी, और मैं बोलता हूँ गाय की पूंछ पकड़ कर भगवान को साक्षी मान गई कि मैंने कभी भी कॉमर्स गेम्स के बारे में, अठारह के बारे में तेरे से इस तरीके की बात नहीं की कि कॉमर्स गेम्स में मैं जाऊंगा और एशियन गेम्स में तू जा, कभी भी नहीं, भगवान साक्षी है। और मैंने कही है ना ये बात, तो भगवान अभी के अभी मेरी जीवन लीला खत्म कर दे, मैंने जाना होता तो चला नहीं जाता। अगर फिर में चला थी मैंने 2016 के बाद पहलवानी नहीं करी। झूठ नहीं, जितनी बोल सच बोल, झूठ करना सिर होता ना पैर होता है। 2008-09 से जब भी अकेडमी स्टेडियम आया था तब से 2016 तक कित फायदा उठा लिया टूर्नामेंट में, जो ओलंपिक क्वालिफाई होने बाद टूर्नामेंट बाहर इटली था, कहाँ था इतना ध्यान नहीं कि भाई तू मैंने बुझी के करोगे मैं फर्स्ट है कि तू सेकंड, नहीं भाई झूठ मत बोल। योगेश्वर दत्त पर आरोपों की बौछार के साथ ही तीनों पहलवानों ने एक बार फिर दोहराया कि वो ब्रजभूषण को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। पहलवानों की आपसी लड़ाई और WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी लड़ाई दोनों ही जल्द खत्म होती नहीं दिख रही, लेकिन हर दिन सामने आते नए आरोपों से खिलाड़ियों के बीच संशय जरूर बढ़ रहा है।